What is art? Kala. Kala. Ah, okay. Udiya kala. What is kala? It is very arts. Drawing. Or? Music. Ah, gana, music. Okay. Or kuch variety hai kuch Intelligence. Intelligence ki wajah se art banta hai, but art is something else. Jaise? What action? हाँ सही बोल रहा है एक्शन तो होता है बट व्हाट एक्शन सर जी सर ये इधर नहीं बोला नहीं क्या इसको आर्ट इंडस्ट्री इधर बोला नहीं क्या हाँ वो भी आर्किटेक्चर आर्ट ठीक है नहीं एक्शन तुम बोला एक्शन किस तरह का बोल किस तरह का एक्शन आर्ट हो सकता है हाँ एक्टिंग और क्या हो सकता है सिंगिंग ये बोल दिया था डांसिंग या ग्रेट सबसे पहले एज यू कैन रीड यहाँ पे क्या है क्रिएटिविटी सो वी स्टार्ट विद दिस व्हाट इज क्रिएटिविटी सृष्टि सृष्टि तो सृष्टि अगेन वही व्हाट इज सृष्टि जो बोर्ड 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 जो रेल से रेल रेल आ सकता है वस्तु सृष्टि करना ठीक है बेसिकली क्रिएटिविटी कुछ भी जो तरीका जिससे आप कुछ नया और कुछ वैल्यूएबल बनाते हो यानी न्यू और वैल्यू जिसका कुछ मूल्य हो पैसे वाला मूल्य नहीं प्राइस नहीं वैल्यू है ना जो जैसे और एग्जांपल क्या क्रिएटिविटी में क्या क्या बना सकता है एक तरह से जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास सब क्रिएटिविटी की वजह से बना है ना तो क्रिएटिविटी से जो चीजें बनता है दो तरह का हो सकता है एक टैंजिबल जिनको आप छू सकते हैं टच कर सकते हैं और एक जिनको जो आइडिया के रूप में होता है तो जिन चीजों को टच कर सकते हैं क्रिएटिविटी को इसका एग्जाम्पल दो हाँ टेबल हो गया अच्छा और कुछ चीजें जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं जो वो सॉफ्टवेयर होते और साउंड यानी न्यू म्यूजिक जो आप बनाता है हाँ और लाइट कैसे इफेक्ट लाइट बनाए थोड़ी है अच्छा मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ साउंड साउंड उसे तो बनी बनी कर चुके तो जरा बनो अच्छा अच्छा ठीक हम क्रिएटिविटी का बात कर रहे हैं जिससे कुछ भी हम आइडिया जो आपकी क्रिएटिविटी हर एक के अंदर है देखो ठीक है कुछ लोगों के अंदर ज्यादा होता है वो ज्यादा सोचता है कुछ लोगों में थोड़ा वो डेवलप नहीं हुआ है लेकिन क्रिएटिविटी हर मनुष्य के पास है ठीक है तो उससे क्या होता है हम या तो नई चीजें बना सकते हैं हाँ नई चीजें और जिसमें कुछ जिसका वैल्यू हो हमारे लिए जैसे टेबल का क्या वैल्यू है टेबल का क्या वैल्यू है हाँ रख सकते हैं लिख सकते हैं तो वो वैल्यू है ना हाँ पेन का वैल्यू क्या है तो और क्रिएटिविटी से दो तरह की चीजें बनता है तो पहला जो मैं था जिसको आप टच नहीं कर सकते जैसे कोई भी साइंटिफिक थ्योरी न्यूटन का जो ग्रेविटी का थ्योरी था स्टोरी पता है एप्पल गिरा उसने देखा और सोचा तो वही जो उसने दिमाग हम लोग हर कोई एप्पल गिरते देख सकता है ना यहाँ पे क्या फ्रूट मिलता है मैंगो मैंगो कितनी बार गिरे कभी सोचा है कि यार ये क्यों हो रहा है ये सब तो न्यूटन ने सोचा वो क्रिएटिविटी की वजह से था और उससे वो क्या बनाया एक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का जो कि नया भी था और वैल्यू भी है उसके वजह से हम साइंस को अपनी दुनिया को बहुत समझ पाए ना तो म्यूजिक वो भी वही चीज है म्यूजिक है ना इसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन नया म्यूजिक बनता है जिसका वैल्यू है जिसको सुनकर आपको अच्छा लगता है या फिर कुछ भी जोक कोई आप जोक समझ रहे जोक भी एक तरह से क्रिएटिविटी है कोई आप नया जोक बना रहे जिससे लोगों को हंसा सकता है ना समझा ठीक है और दूसरी तरह से फिर जो चीजें जिनको आप टच कर सकता है वो क्या क्या होगी जैसे आप बोला कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन मशीन कंप्यूटर व्हील कार सब कुछ क्रिएटिविटी की वजह से है पहली बार लोगों ने सोचा कि
व्हील बना दिया है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे लगाएगा, मोटर कैसे लगाएगा, वो सब जोड़ के धीरे धीरे गाड़ी बन रहा है। ठीक, कोई भी राइटिंग जैसे बुक या फिर कुछ, वो भी आप टच कर सकते हैं ना, लिखा हुआ है। पेंटिंग जैसे आप बोला, स्कल्पचर जो बोला था उसको स्कल्पचर बोलते हैं, विश्वजीत जो तुम बोला ना मूर्ति बनाना उसको स्कल्पचर बोलते हैं, SCULPTUR, स्कल्पचर। ठीक है, तो क्रिएटिविटी से जो भी चीजें बनती है उसका कई यूज हो सकता है। एक फंक्शनल यानी वो कुछ काम देता है, जैसे कि हम बात किया टेबल का क्या काम है, पेन का क्या काम है, लिखना, तो या तो कुछ ऐसा काम दे सकता है, या फिर एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी कि सुंदर। कोई पेंटिंग का क्या काम है, कुछ काम नहीं है ना, उसको आप लेके कुछ इस्तेमाल तो नहीं कर सकता लेकिन देखने में सुंदर लगता है। म्यूजिक का क्या काम है, अच्छा लगता है सुनने में। ठीक, और या फिर वो चीजें हमारे जो ऑलरेडी जो हमको नॉलेज है दुनिया के बारे में उसको कुछ ऐड करता है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था क्या, न्यूटन का ग्रेविटी। इससे पहले जो हम फिजिक्स समझते थे उसके बाद हम और फिजिक्स को हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दुनिया के बारे में। या फिर क्रिएटिविटी से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बहुत सिंपल कुछ भी प्रॉब्लम आपके आसपास। हाँ, जैसे यहाँ पे स्टैंड ये ब्लैक बोर्ड, आप भी मैं प्रॉब्लम देखा कि या तो प्रोजेक्टर चल सकता है, ब्लैक बोर्ड तो कवर हो गया है तो क्या करेगा, प्रॉब्लम है ना। प्रोजेक्टर या तो प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं या ब्लैक बोर्ड, तो ये प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन क्या किया मैं, ये लेकर आ गया, है ना। तो ये भी एक तरह से क्रिएटिविटी, आप लोग कुछ भी देखते हैं, जैसे कभी क्या है बटन टूट गया है उसमें पिन लगा देता है, ये भी एक तरह से छोटा लेवल का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कोई जिससे कुछ भी वैल्यू वाला या फिर कुछ आप नया बना रहे। ठीक है, समझ गए। ओके, तो क्रिएटिविटी जैसे आप जो भी अपने आसपास देख रहे सब क्रिएटिविटी के वजह से बना है, जो इंसान है ह्यूमन है उसका एक बहुत बड़ा क्वालिटी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी से ही हम लोग अडैप्ट कर पाए, इवॉल्व कर पाए, अपने आप को अलग अलग खंड में रहने लग गया, कपड़ा बना के जानवरों का फर लगा के, है ना, उनका स्किन पहले उनका फर लगाता था ना ठंड से बचने के लिए, या फिर क्या उनका शिकार करने लग गया जो भी खाना के लिए, तो आग को कंट्रोल किया, व्हील बनाया, चक्का बनाया, ये सब क्रिएटिविटी की वजह से चल रहा है और उसी चीज को हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहला इंसान जब आदि मानुष ये लोग चक्का बनाया था, वहां से लेकर अभी जो अब हम गाड़ी बना दिया है, तो ये सब एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक, क्रिएटिविटी ही की वजह से चल रहा है। और अभी अब कंप्यूटर बना लिया है, इवन ये जो हम बड़ा बड़ा अपना जो कहानियां और भगवान बनाया वो भी एक तरह से क्रिएटिविटी है, समझ रहे। इतना सारा पेंटिंग वेंटिंग जो बना, इतना कहानियां बनाया, आपको पता है खासकर हिंदुइज्म में कितना सारा स्टोरीज है, हर भगवान का एक एक स्टोरी है कि वो ऐसे हुआ था फिर ये गए थे उनका शादी हो गया, ये सब भी क्रिएटिविटी है, ऐसे स्टोरीज बनाना, है ना। ठीक, तो पहले क्या होता था, क्रिएटिविटी हम मानते थे कि भगवान से आ रहा है एकदम क्रिएटिविटी, कहीं ऊपर से आ रहा है। ठीक है, पहले हम ये लोग मानते थे, जैसे बाइबल में भी बोलता है कि इंसान पहले क्या है दुनिया को बनाया, सात दिन में भगवान वर्ल्ड को क्रिएट किया, तो हम लोग मानते थे कि उसी भगवान से हम लोग को क्रिएटिविटी मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद अराउंड 1300 से 1600 एडी में एक टाइम आया था जिसको हम इटली में हुआ था, ये यूरोप में, उसको रेनेसांस बोलते हैं। ठीक है, रेनेसांस, तो ये आर्ट के मामले में बहुत बड़ा एक टाइम था, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग, बहुत अच्छा अच्छा आगे आ सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा था। ठीक है, तो तब से क्या हुआ कि इंडिविजुअल व्यक्तित्व व्यक्ति का टैलेंट को मानने लगे कि नहीं भगवान से नहीं, बंदे का अपना मेहनत और अपना चैलेंज से आ रहा है। अब जैसे मैं कल को पेंटर बनना चाहता हूँ लेकिन मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, मैं बस ऐसे से कुछ बना देता है, तो मैं क्या बड़ा पेंटर बन सकता है, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा पहले, एक एक मुझे पता होना चाहिए, जैसे लाइन को ऐसे, जैसे अभी मैं एक सर्कल नहीं बना सकता है, तुम लोग ट्राई करो, नोटबुक है क्या, एक परफेक्ट सर्कल बनाने का ट्राई करो, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कौन बना पाता है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, चाहे कितना भी साइज, चाहे इतना साइज चाहे बड़ा साइज, किसी का बन रहा है बताओ मेरे को, दिखाओ किसका बन रहा है, दिखाओ, बना लिया, परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है,
बोला बोला राउंड डबल ट्रिपल करके नहीं, मैं बोल रहा एक बारी में ऐसे ये बड़ा बड़ा आर्टिस्ट नहीं कर पाता, तुमको कैसे करेगा ये, कैसे परफेक्ट है क्या परफेक्ट नहीं, ओवल है ये तो, यहाँ से पतला है क्लोज बट परफेक्ट नहीं है ये, बहुत यानी बहुत मुश्किल चीज है ये करना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए साल भर, तब जाके आप एक ऐसे करके परफेक्ट सर्कल बनाएगा, ठीक है, आसान नहीं है सब, वैसे ही बड़ा राइटर भी बनना है तो इतना आसान नहीं, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैं 8-10 साल से लिख रहा है, तब से प्रैक्टिस कर रहा है, अब जाके थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक लिख लेता है, ठीक है, तो हाँ, तो तब से फिर अब रेनेसांस के टाइम से आपको समझ में आया कि आर्ट भी एक स्किल है, यानी प्रैक्टिस चाहिए, टैलेंट चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता है ना, तो तब से फिर क्या है कि और पहले क्या था, आर्ट जो पहले का था सारा ज्यादातर रिलीजियस होता था, भगवान का पेंटिंग्स होता था, भगवान का स्कल्पचर होता था या मंदिर बनाता था आर्किटेक्चर में, धीरे धीरे क्या है सेक्युलर होने लग गया, हम लोग इंसान बनाने लग गए, जानवर अलग अलग चीजें बनाने लग गए, ठीक, तो और अब मॉडर्न टाइम में तो फिर अलग ही, उस पर धीरे धीरे बाद में बात करेगा, ठीक, और क्या होता पहले जो आर्ट बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, जैसे आप कोई काम कर रहा है, चास कर रहा है या फंटिंग कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, उसको सैलरी मिलता है, अब जो कोई पेंटिंग बना रहा है उसको क्यों कोई सैलरी देगा, हाँ तो वही पहले उस सिस्टम को बोलता था पेट्रनेज, PATRAY, ठीक है, और पहले पेट्रनेज वहीं से आता था, जैसे यानी कोई मंदिर या चर्च या फिर पैसा देता है आप पेंटिंग बनाओ, तो इसलिए आप ऑब्वियसली फिर आपको चर्च पैसा दे रहा है तो आप जीसस का ही पेंटिंग बनाओगे और कुछ तो नहीं बनाएगा ना, डेविल का पेंटिंग नहीं बनाओगे, और वैसे ही फिर धीरे धीरे क्या हो गया राजा लोग करने लगे, पहले रिलीजन करता था उसके बाद राजा लोग, तो एक टाइम था कि जब राजा लोग का बहुत पेंटिंग बनता था, वो बोलता था तुमको इतना पैसा देगा मुझे एकदम सुंदर सा मेरा फोटो बनाओ, ठीक, तो ये सब अब धीरे धीरे क्या हो गया मॉडर्न टाइम में अलग से ये सिस्टम बन गया, मार्केट बन गया, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट का पेंटिंग यानी करोड़ों रुपए में बिकता है, डॉलर्स में हो गया है ना, उस पे धीरे धीरे बात करेगा, ठीक, ये तो रहा क्रिएटिविटी का बात, नेक्स्ट अब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन बेसिकली वर्ब कौन सा है एक्सप्रेस से आ रहा है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस वो ट्रेन वाला नहीं, तेज वाला नहीं, एक्सप्रेस यानी किसी भी चीज जो आपके अंदर है आइडियाज, हाँ आइडियाज वो फीलिंग्स है उसको आप बाहर ला रहा है, एक दूसरे को बता रहा है, ठीक है, तो किस तरह की चीजें बता सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने अंदर का फीलिंग्स बता सकता है, अपने विचार बता सकता है, थॉट्स बता सकता है, अपना आइडिया बता सकता है, तो जो भी आपके अंदर जो आपका आइडिया फीलिंग्स दिमाग में चल रहा है वो उसको आप बाहर दर्शाते हो तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन कई तरीकों का होता है, आवाज से हो सकता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ये भी एक्सप्रेशन है, राइटिंग के एक्सप्रेशन है, डांस के एक्सप्रेशन है, एक्शन के एक्सप्रेशन है, पेंटिंग एक्सप्रेशन है, आर्ट एक्सप्रेशन, सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है इस सब में, जब आप पेंटिंग बनाते हैं क्या एक तरह से क्या कर रहा है आपके अंदर जो एक आइडिया है, जो इमेज है किसी चीज का, उसको आप कागज पे डाल के लोगों को दिखा रहा है ना, तो एक्सप्रेशन का वही मतलब है, जो आपके अंदर है फीलिंग्स है जो भी आइडियाज है उसको आप बाहर दिखा रहे हैं, ठीक है, और ये फंड, हाँ तो इस पे फीलिंग्स पे एक और चीज देखते हैं, नवरस सुना है आपको, इंडियन आर्ट में एक आइडिया है, खासकर इंडियन डांस में नवरस होता है, रस, रस का बेसिकली मतलब है कि जो एक जो कोई भी जैसे आप मूवी देखते हैं या कोई डांस देखता है उसमें से एक फीलिंग आता है, ठीक है, जैसे कोई क्या है कोई मूवी डरावना होता है ना हॉरर फिल्म, उसको फिल्म को देख के क्या फीलिंग आता है, डर लगता है, वैसी कोई फिल्म होता है कॉमेडी होता है हंसी आता है, तो वही रस, तो कॉमेडी फिल्म में कॉमेडी रस है, उसमें ट्रेजिक हॉरर वाला वो डरावने वाला रस है, तो इंडियन आर्ट में इसका एक थ्योरी था कि नौ रस होता है, ठीक है, अलग अलग तरह का, उसमें हम देखें डांस में यूज होता था ये,
कि बेसिकली कि जो भी आप जो आर्ट देख रहा है, कोई फिल्म या डांस देख रहा है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फीलिंग बाहर आ रहा है, डरने का या हंसने का या लव का या क्या है, ठीक है? तो इसमें एक थोड़ा शॉर्ट वीडियो देख रहे तो इधर उसके हिसाब से कुछ और रस है। ये मोहिनी अट्टम का एक क्लासिक डांस है, उसका नाइन इमोशन ये श्रृंगार डांस में लव यूजली ये डांस में यूज होता है ये सब। तो जिसको ये सब पता है वो जब डांस देखता है वो समझ जाता है शक्ल देख के, अच्छा ये लव का फीलिंग बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, डांस के रूप में भी स्टोरी बता सकता है ना, तो वही चीज हो रहा है। अभी अब कॉमेडी ह्यूमर हंसने वाला फीलिंग सैड ट्रेजेडी यानी बिना कुछ बोले आप समझ जा रहे कि ये सैड फीलिंग बता रहे हैं। अलग अलग रस है ये क्या फीलिंग है एंगर गुस्सा वीर रस स्ट्रॉन्ग करेज लड़ाई वाला हीरो हीरोइन और यही चीजें राइटिंग में भी यूज होता है ये सब चीजें। कोई भी आर्ट में जो आपको फीलिंग आ रहा है उसको रस बोलते हैं, ये डांस में दिखा रहे बस ये जो हम बात कर रहे हैं डर वाला फियर भयानक
अभी तुम लोग बात करते हैं आपस में, अभी मेरे सामने बात करते हैं तो अलग तरह से बात करते हैं ना, आपस में जब बात करते हैं तो गाली वाली भी निकालता होगा कुछ कुछ थोड़ा बहुत, है ना। तो वही चीज आप क्या कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं ना उसको, मेरे सामने या टीचर के सामने नहीं बोलता है, पिक्चरों को वैसी सेंसर से। तो उस पर हम वही बात कर रहे हैं कि जो हमारा राइट टू एक्सप्रेशन है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और किया जाता है, सरकार करती है, पब्लिक भी करती है एक तरह से। जैसे कल को मैं कुछ पेंटिंग बना देता है जिसमें कुछ क्या है, हाँ यहाँ का स्कूल का ही बात करते हैं क्योंकि हम स्कूल में हैं, तो यहाँ पे मैं हाँ जो बड़े याद का एक फोटो बनाता है, ठीक है, पेंटिंग बनाता है, उसमें ऐसे सीन बना दिया दो बड़ा बड़ा, ठीक आर्ट है ना, आर्ट है, बहुत सुंदर पेंटिंग बना है। लेकिन आप उसको ये लोग डाइनिंग हॉल में लटकाएगा क्या? नहीं लटकाएगा ना, बोलेगा या तो आप वो सीन घटा दो, उसको ब्लैक पेंट कर दो, तब लगाएगा। तो वही एक तरह से सेंसरशिप है, बस लॉ नहीं करता है, लोग भी करता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, तो जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कल को उसका एम ए हुसैन का नाम सुना, एम ए हुसैन मकबूल फिदा हुसैन, इंडिया का बहुत फेमस एक पेंटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स था वो इंडिया का, ठीक है। तो उनका एक था पेंटिंग, वो बनाए थे 2004 में पेंटिंग बनाया था एक, ये क्या है, इसको देख के क्या लग रहा है कुछ? इंडिया, हाँ इंडिया का मैप की तरह एक न्यूड औरत को बना है। तो इस पेंटिंग का नाम उन्होंने खुद नहीं रखा था, हुसैन साहब ने खुद नहीं रखा था, मीडिया ने एक तरह से नाम दे दिया कि भारत माता। और इस चीज में लोगों को बहुत बुरा लगा था कि यानी भारत माता हमारे, एक तो यानी हिंदू वाला चीज भी आ जाता है इसमें और देश का भी आ जाता है कि भारत माता को तुमने नंगा करके दिखा दिया ये सब। तो इसमें बहुत ड्रामा हुआ था, बहुत लोग यानी उनको डेथ थ्रेट्स मिला था कि तुमको मार दिया जाएगा, तो इसलिए वो इंडिया छोड़ने चले गए थे कुछ समय के लिए, लंदन दुबई में रहने लग गया था। तो ये भी सेंसरशिप है। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ वो वल्गर नहीं है, तो ये सब भी ठीक है। यानी आपको कुछ बुरा लग रहा है इसको देख के? नहीं लग सकता है, अगर लग जाए तो वो भी ठीक है, लगना चाहिए। कुछ अच्छा पेंटिंग है क्या? वैसी एक और एग्जांपल देना है, ठीक, ये आप बाहर गए, जैसे अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक और चीज हो जाता है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया क्या है, पेंटिंग्स को बनाने का पैसा कौन देता था? या तो रिलीजियस लोग या चर्च मंदिर या फिर राजा लोग अमीर लोग, तो इसलिए उन्हीं वो लोग बोल सकता था, मैं तो पैसा दे रहा है कुछ बनाने के लिए, तो मैं बोलेगा ना इस तरह का पेंटिंग बनाना इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अब धीरे धीरे जब मार्केट बन गया और आर्टिस्ट का इज्जत देने लग गया कि आर्टिस्ट का अपना टैलेंट है ये सब है, तो फिर आर्टिस्ट के अपने तरह से आइडियाज बताने लग गया, तो वहां से क्या हो गया, ये सब शुरू हो गया। जैसे मेरे जैसा, जैसे अभी मैं आपको पेंटिंग का एग्जांपल दिया, अभी हुसैन का एग्जांपल दिया, तो वैसे ही धीरे धीरे क्या हो गया, कॉन्ट्रोवर्सी, यानी कि जानबूझ के एक तरह से क्या है, जब कॉन्ट्रोवर्सी का क्या शब्द होगा, स्कैंडल कॉन्ट्रोवर्सी, विवादजनक बोलते हैं कंट्रोवर्शियल को। हाँ हाँ विवादजनक समझे, और खराब। हाँ तो यानी बेसिकली कि अब क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे हम मूवीज का बात होता है आजकल नया मूवीज का, अगर किसी मूवी में बोल देता है कि अरे इसमें बहुत ज्यादा वो है खून खराबा है वॉयलेंस है या फिर बहुत ज्यादा सेक्स है, और कोई लोग बोल देता है कि इसको बैन करना चाहिए, तो क्या होता है लोग और भी जाके देखता है,
चाहे पहले उस मूवी को बस हजार लोग देखता, लेकिन एक बार अगर मीडिया में न्यूज में आ गया कि अरे इस मूवी में ये सब बहुत खराब चीजें हैं, इसको नहीं देखना चाहिए, फिर जाके 10,000 लोग देखता है, क्योंकि सबको अब इंटरेस्ट हो जाता है ऐसा क्या है ऐसा क्या है। तो आर्ट में भी यही है, बहुत लोग जानबूझ के अब कभी कभार क्या है कुछ कॉन्ट्रोवर्सी विवादजनक टॉपिक डाल देता है ताकि क्या हो उनका काम बिके। तो जैसे अगर मैं कोई किताब लिख रहा है, अगर सिंपल किताब लिख रहा है, लेकिन अगर उस किताब में मैं वही जैसे भारत माता की तरह इंडिया के बारे में कुछ खराब खराब लिख दिया और न्यूज़पेपर बोलता है कि अरे ये लोग तो ये किताब गंदी है इसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो एकदम से वो किताब बेस्ट सेलर बन जाएगा, बहुत लोग खरीदेगा, ठीक है। तो इसी के चलते एक एग्जाम्पल दिखाता है। ये क्या है? जीसस है, हाँ, क्रूसिफिक्स है ना, जो क्रॉस पे जीसस को डाला था। तो इसका एक छोटा सा जो लॉकेट डालते हैं वो है ये बेसिकली फोटो, और ये फोटो है, पेंटिंग नहीं है, फोटो है ये, ठीक है। तो ये जो क्रॉस जो डालते हैं ना छोटा सा, उसको पास से लिए इसलिए बड़ा दिख रहा है, इतना सा क्रॉस जो होता है यहाँ पे डालता है उसको एक उसमें डाल रहा है, लेकिन ये फोटो है पेंटिंग नहीं है। तो ये ऐसा कलर क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि इस क्रूसिफिक्स को यूरिन में रखा हो रहा है, यूरिन, यूरिन समझते हैं ना, हाँ यूरिन मूत्र, हाँ हाँ समझा, हाँ। तो क्यों किया हुआ ऐसा? इतना जो एक जो रिलीजियस चीज है उसको यूरिन में डाल के फोटो ले लिया और ये बहुत फेमस हो गया था ये फोटो, क्यों? हाँ हाँ, एक बेसिकली यार एक ग्लास लिया बड़ा सा, उसमें यूरिन डाल दिया अपना और उसके बाद ये डाल दिया और बहुत बड़ा ये पेंटिंग वो फोटोग्राफ फेमस हो गया, क्यों? क्यों क्या हुआ ऐसा? एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो चर्च के वो चर्च की निंदा कर रहा था यानी क्रिटिसाइज कर रहा था कि चर्च में बहुत कुछ खराब चीजें हो रही है सब, लेकिन दूसरी तरह से अगर ये पानी में डालता तो ये फोटो के बारे में हम अभी बात कर रहा होता, अगर ये पानी में होता नहीं ना, तो वही जो हम कंट्रोवर्सी वाला बात कर रहे हैं कि अगर कंट्रोवर्सी होगा विवाद होगा तो काम ज्यादा फेमस हो जाता है, ज्यादा मार्केट में बढ़ जाता है, तो एक वो भी रीजन है। अभी भी वापस आर्ट का बात करते हैं हम लोग, नीचे में मैं पहले भी कुछ बेसिक क्लास बात किया है कि इंसान क्या है, सोचता है, माइंड है ना, वही स्पेशल है उसमें, बाकी जानवरों से अलग है, सोचता है, क्रिएटिव है, सेंसिटिव है, फीलिंग समझता है, दुखी हो अगर जैसे मैं हरी का शक्ल देख के बना सकता है वो दुखी है या फिर खुश है ना, तो एक दूसरे को समझता है, सेंसिटिव है, फीलिंग्स है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। अगर अकेला रह सकता है क्या तो? बिल्कुल अकेला बहुत मुश्किल है ना, बिल्कुल भी अकेला बिना किसी बात के। तो कुछ कुछ चीजें इंसान क्या करता है, खाने के लिए, जीने के लिए खाना खाता है, मेहनत करता है, हार्डिंग करता है, जो भी करता है, काम करता है, पैसा कमाता है, क्यों? खाना खाने, जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। लेकिन कुछ कुछ चीजें अलग है, जैसे आर्ट, आर्ट से आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल चीज नहीं है ना, लेकिन हम करता है तो आर्ट में जैसे उसमें कई तरह का आता है, जैसे एक विजुअल, विजुअल का मीनिंग क्या होता है? विजुअल माने देखने वाला चीज, जिसको देख सकता है, तो विजुअल आर्ट क्या हुआ? जैसे एग्जांपल विजुअल आर्ट, जैसे ड्राइंग और पेंटिंग जिनको आप देख सकते हैं ना, जो जिसका प्राइमरीली यानी देखने के लिए है, यानी आर्ट किस लिए? आर्ट को जब भी कोई भी आर्ट आप कैसे रिसीव करता है,
सेंसेस से, या तो सुनता है कान से या आंखों से देखता है, डांस वांस देखता है, समझता है ना, अलग अलग चीज। तो जो चीजें डायरेक्टली बस आपके आंखों को फिक्स कर रहा है उसको विजुअल आर्ट्स बोलते हैं। तो जैसे ड्राइंग और पेंटिंग में क्या अंतर है, ड्राइंग और पेंटिंग में क्या डिफरेंस है उसको करता है ना, बताओ ड्राइंग और पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। हाँ ड्राइंग ये है, ये भी ड्राइंग है, लेकिन पेंट उसको अच्छे से पेंट पेंट करना है। ड्राइंग किसी से भी, पेंसिल से हो सकता है, पेन से हो सकता है, ठीक। तो ड्राइंग पेंटिंग और क्या हो विजुअल आर्ट का एग्जांपल, अभी तुम बोला था 20 मिनट पहले, और क्या एग्जांपल और विजुअल आर्ट का, ड्राइंग पेंटिंग और हाँ मूर्ति बनाना, स्कल्पचर है ना, कारीगरी है सब, ठीक। और पेंटिंग और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है पेंटिंग में आप क्या करते हैं, अच्छा पेंटिंग में ये फ्लैट है ना, 2D 3D समझते हैं, 3D फिल्म क्या होता है आज के बाद, डायमेंशंस, हाँ थ्री डायमेंशन 3D फिल्म होता है ना आज के बाद। अच्छा ये पता है ना ग्राफ ऐसे जो होते हैं x y, तो ये क्या लेंथ है, ब्रेड्थ है, जैसे कोई चीज है स्क्वायर है इसका ये लेंथ हो गया ब्रेड्थ हो गया ना इतना। अब 3D माने कि उसमें ये वाला चीज भी है डेप्थ, जैसे एक्चुअल चीजें होती है असल की, ये जो चीजें है ये फ्लैट नहीं है ना, इसमें ठीक है लेंथ है ब्रेड्थ है लेकिन ये भी तो है ये वाला चीज थिकनेस, फ्लैट चीजें नहीं है ना। तो इसमें क्या है ग्राफ में, इसको जो Z बोलता है इसको थर्ड वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, 3D जो चीज आपको उसका इल्यूजन दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये फ्लैट है लेकिन इसमें आपको थोड़ा लग रहा है कि वो अंदर है, थोड़ा एक आइडिया मिल रहा है कि ऐसे वो चीज थोड़ा डीप है, हाइट का इल्यूजन मिल रहा है एकदम, असल में तो फ्लैट है लेकिन ऐसा। तो उस चीज को 3D बोलते हैं, 3D फिल्म में यही होता है कि फ्लैट है, आपको लगेगा कि आपके सामने कुछ चीजें आ रही है, ठीक है। तो क्या पेंटिंग और स्कल्पचर में भी यही डिफरेंस है ना, पेंटिंग किसमें करता है, टू डायमेंशन में काम करता है, एक ऐसा कैनवस है उसमें आप पेंटिंग कर रहे हैं। स्कल्पचर क्या है, 3D पूरा एक आप चीज बना रहे हैं जिसमें तीनों डायमेंशन है, समझे ना। किसी आदमी का आप पेंटिंग बनाता है तो कैसे बनाएगा, फ्लैट होगा ना, ऐसे बनाएगा बस, ये शकल वकल ये चीज दिखेगा, ये चीज दिखेगा, ये जो मोटा है ये चीज ये तो नहीं आएगा ना। स्कल्पचर में क्या होगा, सब कुछ आएगा, एक एक चीज आएगा, डिटेल आएगा, उसका फोटो देखेगा भी। उसके बाद आता है फिर परफॉर्मेंस आर्ट। परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या हो सकता है, कॉमेडी, प्ले, थिएटर, डांस और क्या बोला, म्यूजिक भी परफॉर्मेंस आर्ट है, बजाते हैं, हाँ ये सब परफॉर्मेंस आर्ट है, ठीक। तो इसको और भी तरह का परफॉर्मेंस आर्ट है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा है, तो इसमें क्या एक परफॉर्मेंस आर्ट है, ये जो आर्टिस्ट है मरीना नाम का, तो इसका क्या परफॉर्मेंस आर्ट था, बेसिकली ये चेयर पे बैठेगी और जो भी लोग आर्ट देखने आ रहे हैं इनका वो भी इनके सामने एक चेयर में बैठेगा और ये लोग एक दूसरे को देखेगा काफी टाइम तक, स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो ये है परफॉर्मेंस आर्ट, लेकिन उसमें फिर क्या हो गया, धीरे धीरे एक इनका जो पुराना एक जो क्या बोलेगा इनका लवर था वो भी एकदम से वहां पहुंच जाता है, फिर हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है। बेसिकली समझा ना आप क्या है ये परफॉर्मेंस आर्ट, ये आर्ट है या नहीं इस पे हम बाद में बात करेगा,
लेकिन परफॉर्मेंस आर्ट बेसिकली ये ऐसे बैठे हैं, इनके सामने कोई आगे बैठ जाता है और ये एक दूसरे को देखता है चुपचाप, बस ये था। तो पहले लोग आते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आप आइडियाज बहुत जोड़ सकते हैं कि इसमें आइडियाज आप लोग बहुत जोड़ सकते हैं कि ये बताना चाहते हैं इंसान या कि कोई भी सब एक है, एक दूसरे को देख के पहचान सकता है, ये सब जैसे ऐसे जाता है HDMI। कई लोग पहले ऐसे आया, लोग एक दूसरे को देखा, ठीक है हो गया। Thank you.
करना बंद करो क्योंकि सिस्टम से आ रहा है ट्रेडिशनल डांस है जैसे उड़ीसा में भी काफी डांसेस है ना अलग अलग पाला सांस्कृतिक उड़ीसी तो क्लासिकल हो गया हाँ ये सब तो वैसे ही वहाँ का डांस है ठीक है और इन चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि यानी पाला ज्यादा अच्छा है या फिर ये ज्यादा अच्छा है बस अलग अलग तरीका है अलग अलग कल्चर से उनका अलग अलग डांस है
वैसे थिएटर थिएटर क्या होता है एक्टिंग ड्रामा उसके बाद ये भी वही उसी एरिया में था सब जो मेडिटेरेनियन सागर है
उसके आसपास का है, ये कोलोसस ऑफ रोड्स ये भी अब टूट गया है, इनके बारे में हमको जानकारी बस पुरानी किताबों से है कि एक ऐसा जगह था जहाँ पे ये सब था, तो ये सब अभी अब नहीं है, लेकिन पुराने दुनिया का वैसे एक लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के पास, ये भी इसका भी ड्रॉइंग है, ये अब नहीं रहा है, स्टैचू ऑफ ज्यूस ये भी इसका भी ड्रॉइंग है, ये सब पुराना। और फिर ये टेम्पल ऑफ आर्टिमिस अपने समय में शायद ये ऐसा था, लेकिन अभी इसका बस ये सब रह बच गया है। और क्या है मॉजोलियम, ये भी पेंटिंग है। अभी आप जो अभी का समय का जो वंडर्स है, जो मॉडर्न वंडर्स है उसको देख रहे हैं। जोर से ये चाइना का इजाज है। बाहुबली क्या लगता है आपको? हाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो, उसको कंप्यूटर से बनाता है ये। हाँ क्या है ये चाइना का सर? हाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये अभी भी ऐसा ही है, अभी बहुत लंबा एक दीवार है जो चलते रहता है, ये देख रहे हैं आज इसका। और ये भी बस एक पार्ट है, यहाँ तक ये जो दिखा रहा है ये भी एक पार्ट है, असल तो और भी बड़ा है। ये है क्या है? ये जीसस है ना, ये ब्राजील में है। ब्राजील में सर? हाँ एकदम पूरा रियो जो शहर है उनका दिख रहा था, देखो बहुत बड़ा साइज देखो, लाइक इंसान का साइज इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, ये भी वही पीछे से है। ये है पेरू में माचू पिचू करके, ये थोड़ा पुराना है, इसमें जो भी यहाँ का जो एक सिटी पुराना एक एंशियंट शहर था, जैसे मोहेंजोदारो हड़प्पा बात कर रहा है ना, वैसे ही पेरू में इनका अपना पुराना शहर था, तो ये भी आर्किटेक्चर है पुराने जमाने का। दिस वन एंड ये तो है ना माचू पिचू, अच्छा आई डोंट नो मैन, ये चिचन इट्ज़ा, हाँ दिस वन मेक्सिको में, तो ये भी उस समय पे एक तरह का मंदिर था, यहाँ पे पूजा ये सब होता था, यहाँ से ऊपर जाएगा प्रीस्ट, यहाँ पे कहीं पे बलि बलि भी होता था, सैक्रिफाइस ये सब होता था। ठीक ये क्या है? हाँ ये ताजमहल है ना, असल में अभी वही अभी यहाँ पे कितना साफ वहां जाएगा तो बहुत पब्लिक भरा होगा, तो आपको और जब जाएगा तो खुद देखेगा कैसा है। ये सब व्हाइट मार्बल से बना है, कौन बनाया था ये? व्हाइट मार्बल। और ये है इसको बोलते हैं कोलोसियम, कोलोसियम ये रोम में है, कोलोसियम COLOSSIUM, तो ये रोम में है, तो ये एक तरह का तब पुराने जमाने का स्टेडियम था, ठीक है, यहाँ पे लोग लड़ाई वड़ाई करता था, स्पोर्ट्स होता था, रेसिंग ये सब होता था, ये बाहर से ऐसे, अब ये भी ऐसे काफी टूट गया ना साइड पे, ये बाहर से ऐसा है अंदर से ये ऐसा, तो पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स ये सब होता था, लोग लड़ाई करता था ये सब, लोग यहाँ पे पब्लिक बैठ के देख रहा है और यहाँ पे कुछ कुछ होता था, ठीक है। और ये है जॉर्डन जो मिडल ईस्ट, इसको पेट्रा, ये भी एक शहर था पुराना इस तरह का, हाँ एंशिएंट शहर था जॉर्डन, जहाँ पे जो जीसस ये सब पर बोलता है ना जेरूसलम, जीसस का जहाँ जन्म हुआ था, तो उसी एरिया का ये सब, तो ये भी एक पुराना शहर है, ये वहाँ का एक तरह से ट्रेजरी यानी बैंक का वो जो है, तो देख रहा है पूरा यानी यहाँ पे ईंट से नहीं, पूरा जो पत्थर है उसको काट के बनाया है अंदर, है ना, अलग से नहीं बनाया, ये पूरा जो माउंटेन है इसको तोड़ तोड़ के बनाया है। इंडिया में भी ऐसा काफी जगह है, जैसे तो बनाया गया है एलोरा अजंता, हाँ सही, और हाँ हाँ उदयगिरी खंडगिरी वो भी, हाँ एकदम पत्थर को काट के बनाया है, तो ये सब ओके, तो ये आर्किटेक्चर का कुछ कुछ एग्जाम्पल था पुराने हमारे दुनिया में, ठीक है। और सब कुछ आर्किटेक्चर है, ये जो बिल्डिंग जिसमें आप रह रहे हैं ये भी आर्किटेक्चर है एक तरह से, जो फर्नीचर डिजाइन किया ये भी डिजाइन और आर्किटेक्चर में ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? लिटरेचर। लिटरेचर कौन है?
MIL एक तरह का लिटरेचर है, बेसिकली कहानी बताना, और उस कहानी का जैसे कुछ क्या बोलते हैं, जो कहानी आप, जैसे अगर मैं वो कहानी लिख रहा है तो वो कहानी आप, आपको पढ़ने वाले जो कुछ हमारे कल्चर, हमारे दुनिया 2017 में उड़ीसा कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं, जीवन के बारे में बता रहे हैं, उसको लिटरेचर बोलते हैं। जैसे कोई भी कहानी लिटरेचर नहीं मानता है, लेकिन जैसे जो क्या गोपबंधु दास लिखा है कुछ, जिससे आपको उड़ीसा के बारे में समझ में आता है, उसको हम लिटरेचर मानते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो काम है उसको लिटरेचर मानते हैं, हिस्ट्री भी लिटरेचर में मानते हैं उसको, एक तो पहले माना जाता था अब अलग है, बट स्टिल इट्स काउंटेड एज लिटरेचर। काफी चीजें जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है उसको आप लिटरेचर, कोई भी राइटिंग जिसका कुछ वैल्यू है, जिससे आपको जीवन या अपने दुनिया के बारे में कुछ समझ में आ रहा है, उसको लिटरेचर बोलते हैं। साइंस भी, डार्विन का किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो चार्ल्स डार्विन, याद है ना बात किया था उसके बारे में, चार्ल्स डार्विन कौन था, भूल गया, साइंटिस्ट था, हाँ, क्या किया था, किस थ्योरी के लिए उसको हम वो बात करता है, एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में बात किया था ना, हाँ, चार्ल्स डार्विन का जो किताब था वो साइंस का किताब है, लेकिन उसको भी हम लिटरेचर मानते हैं, क्योंकि एकदम से कुछ नया आइडियाज वो दिए थे और दुनिया के बारे में हमको बताया था। और फाइनली बहुत कुछ है, क्यूलिनरी आर्ट्स, यानी कि खाना बनाने भी एक आजकल कला मानते हैं उसको, खाना बनाना, और क्या, क्राफ्ट्स, हाँ, क्राफ्ट्स, ये सब जो ये है, इसको हम आर्ट नहीं बोलते, क्राफ्ट बोलते हैं, क्यों, ये टेराकोटा का बना है, ठीक है, यानी हजारों साल से क्ले, इसी चीज का, हम लोग पुराना पुराना जो हमको मूर्ति मिलता है इंडिया में वो भी इसी मटेरियल का बना था, लेकिन ये अभी बना है नया है, टेराकोटा का, कोकोनट, ये उड़ीसा से लिया है मैंने सब, अभी जब हम लोग म्यूजियम गया था स्टेट म्यूजियम ग्रुप वन के साथ, तो वहीं से लिया मैंने,
ये दुनिया का सबसे एक तो फेमस और शायद सबसे मूल्य, अगर ये पेंटिंग म्यूजियम में है अभी, लेकिन अगर ये पेंटिंग बेचेगा तो यानी करोड़ों डॉलर्स में बिकेगा। इसका नाम है मोनालिसा। लियोनार्डो डा विंची करके एक आर्टिस्ट था इटली में, वो रेनेसांस के टाइम पे बनाया था ये, जो आपको बता रहा इटली में 1500 कुछ। आपको इस पेंटिंग को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है? इसके लिए तुम 10 करोड़ रुपए देगा? नहीं देगा। तो यार ये वैल्यू जो ये सब है ना, ये बहुत वो है, कुछ इसमें कुछ इनहेरेंट कुछ स्टैंप तो नहीं लगाना कि इसका इतना वैल्यू है, और वैसे इसमें कुछ वो नहीं है। तो जो आर्ट जो क्रिटिक है ना, जो मार्केट क्रिटिक बोलता है, जो क्रिटिक को क्या बोलेगा, आलोचक, आलोचक समझते हैं? आलोचक समझते हैं, आलोचक क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, जैसे अब यहाँ हमारे पास एक आर्टिस्ट है, हमारे स्कूल में लक्ष्मण है ना, वो कुछ पेंटिंग बनाता है, तो चाहे कितना भी वो सुंदर बना ले, लेकिन उसका वैल्यू अनलेस वो फेमस नहीं होगा, तो उसका पेंटिंग शायद 500 रुपए 1000 रुपए में बिकेगा। लेकिन वही चीज अगर लक्ष्मण 10 साल बाद बहुत फेमस हो गया है, तो वो चाहे अगर कैनवस पे ऐसे एक ऐसा क्रॉस बना दे, 2 लाइन बना दे, वो पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम बन गया, और जो आलोचक लोग हैं वो बताता है, डिसाइड करता है कि नहीं ये आर्टिस्ट यानी इसमें ये बोलना चाहते हैं कि जीवन एक दुविधा है, ये सब कुछ इस पे हम बाद में बात करेगा, ये सब नेक्स्ट क्लास है। तो बस बेसिकली कि प्रॉब्लम ये है कि किसी भी जो आर्ट वर्क आप देखते हैं ना, उसका कुछ अंदर कुछ इनहेरेंट मूल्य नहीं है, वो बाहर से डिसाइड किया जाता है, ठीक है? तो जैसे वही एक जो बहुत फेमस एक आदमी था मार्सल डुशॉम करके, इस पे हम बाद में बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन वो उनका मानना था कि हर कुछ आर्ट है। इवन अगर मैं जो ये हाँ पेपर लेता हूँ, इसको ऐसे से कर देता हूँ, ये भी आर्ट है। और उन्होंने दिखाया, यानी वो एग्जीबिशन में डाला और लोगों ने ये पेपर खरीदने के लिए कई हजारों डॉलर्स दिया। तो उनका ये मानना था कि आर्ट कुछ ऐसा कुछ आर्ट नहीं है, उसको बस हम लोग मानता है कि लेबल लगा देता है तो इसलिए आर्ट है। तो वैसे अब क्या है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का हम बात कर रहा था, ये चीज आर्ट क्यों नहीं, इसने इतना सुंदर पेंटिंग किया, इतना सुंदर चीज है ये, इसको आर्ट क्यों नहीं मानता है? और वही अगर जैसे जो तुम MF हुसैन का पेंटिंग देगा तो तुम लोग बोल रहे अच्छा नहीं है, उस पेंटिंग को इतना क्यों आर्ट माना जा रहा है? एक तरह से ये भी मार्केट कोई क्लास है, यानी ये चीज कौन बनाया है। भुवनेश्वर का एक शायद छोटा सा कोई घर में बैठ के एक आदमी रोज ऐसा 100 चीज बना रहा है और 100 रुपए में बेच रहा है, और जो आर्टिस्ट है वो अमीर आदमी है, कई शहर में बैठ के स्टूडियो में अपना एक एक पेंटिंग बना रहा है, एक ही पेंटिंग बनाता है एक तरह का, ये यानी इस तरह का शायद 100 चीजें बनाता है। तो वही डिमांड एंड सप्लाई भी एक तरह से समझ आना, जितना ज्यादा बनाएगा उसका मूल्य कम होगा। और वो ही नहीं है, यानी इस पे एक एग्जांपल देता, हाँ वो जो हाँ यू आर रीडिंग दैट बुक ना, उसमें जानकर सिंह शाम का यू रेड, हाँ तो उसका एग्जांपल देता है। अरे यूनिवर्सल मैंने वही मैं आपको जो बोल रहा था, वैसी जो ट्राइबल आर्ट बोलता है, ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी लोग था, जो ओरिजिनल जो वहां पे रहने वाला लोग था, उनका कुछ हम काम देखता है, ये पुराना स्टाइल है उनका पेंटिंग, स्केव में जो पेंटिंग होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा, अभी उसी चीज को वो लोग थोड़ा मॉडर्न करके बनाता है, इस तरह का कैंगरू, हाँ ये चीज दोनों अलग अलग कल्चर ने बनाया है, तो बस अलग है, उसको आप तुलना नहीं कर सकते, उसका ये मानना था। ये एक और उसी टाइम का माइकल एंजेलो करके आदमी बनाया था, इसमें ये दिखा रहा है, ये एडम है जो बाइबल का सुन है ना, एडम कैसे बना था, तो भगवान अभी एडम को जीवन दे रहा है, तो वो चीज यहाँ पे देख सकते हैं।
ये स्कल्पचर जो आप बोल रहा था स्कल्पचर है ना, ये तो इसमें क्या 3D है ना, पूरा इंसान की तरह ये 3 dimensional लेंथ ब्रेथ विड्थ सब है। डोनाटेलो का एक और फेमस स्कल्पचर, और ये वीनस गॉड ऑफ वीनस एक और बॉटिचेरी उसी समय का ये पेंटिंग है। अभी हम ठीक है उनका जो आपसे बात कर रहे हैं, एक जानकर सिंह शाम करके एक नाम आदमी था, वो कुछ 2001 कुछ 15-16 साल पहले मर रहे, तो वो क्या वो गोंड आर्ट मध्य प्रदेश का जो गोंड ट्राइब है ना GOND उसका वो आर्ट करता था। तो जैसे सौरा आर्ट है जो आप देख रहे हैं या फिर वर्ली आर्ट है इस तरह का। अब इसमें क्या है सौरा आर्ट जो भी जो पुराना आर्ट है उसमें कोई एक वो नहीं होता ना कि एक आर्टिस्ट है यानी एक्स करके या फिर क्या है ईशान करके कोई आर्टिस्ट बने, नहीं सौरा आर्ट बोलते हैं यानी जितना भी सौरा लोग है उनका कल्चर है वो लोग बनाते हैं। उनके लिए शायद ये लोग आर्ट भी नहीं समझ रहा, उनके लिए बस ये था हम बनाते हैं अच्छा लगता है। उसको बाहर से लोग फिर जब आए अरे ये तो बहुत सुंदर है ये आर्ट है, लेकिन अभी भी उनके कॉन्सेप्ट में आर्टिस्ट का आइडिया नहीं है, है ना, यानी वो बना के भूल जाते हैं, बनाते हैं सब बनाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सब लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट है जिसका नाम अब हर चीज में वो साइन कर देगा यहाँ पे कि मैंने बनाया है और वो कुछ अलग ही स्टाइल बनाया और सब एक जैसा बनाता है ना, वॉर्ली पेंटिंग या सौरा पेंटिंग सब एक जैसा होता है। तो इसीलिए उसको हम लोग आर्ट का दर्जा नहीं देते हैं, बोलते कि नहीं ये ट्राइबल आर्ट है या फिर क्राफ्ट है। तो ऐसे में क्या एक आदमी था जानकर सिंह शाम कर गए, उन्होंने क्या किया जो बॉन्ड आर्ट जो ऐसा ही उनका एक स्टाइल था जो बॉन्ड आर्ट का उसमें वो कुछ नया लाया, वो अपने स्टाइल से करने लग गया और साइन करने लग गया। तो जैसे मान लो वही सौरा आर्ट में अगर क्या है जैसे अभी अगर ये ऐसा टाइप का होता ना हर जगह तो कल को कोई सौरा आर्ट में थोड़ा चेंज कर दे यानी इस जगह की जगह वो गोल बनाने लग गया या फिर कुछ कुछ कर दे और अपना नाम साइन करने लग गया, तो हो सकता है वो भी उसको भी फिर वो फेमस आर्टिस्ट। तो जानकर सिंह शाह ने यही किया था, जो ट्रेडिशनल गोंड आर्ट था जो चल रहा था सिस्टम उसमें वो कुछ नया नया चीजें किया। जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया का ट्राइब का आर्ट दिखाना पहले कैसा था असल ओरिजिनल और धीरे धीरे उसको लोग कैसे मॉडर्न बनाने लग गया, तो वैसे ही उसने भी कुछ किया काम। तो हाँ तो उनका जैसे इको पेंटिंग देखता है तो बॉन्ड आर्ट में क्या है बहुत ऐसे डिटेल होता है डॉट 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 ऐसे करके, लेकिन इस तरह का जो पेंटिंग है वो इन्होंने बनाया जानकर सिंह साहब ने, ये पेंटिंग कुछ 30,000 डॉलर में बिका था। और जो बॉन्ड आर्ट होता है वो आप शायद जाके 1,000 रुपए में बहुत सारा आप खरीद लेगा, है ना जो बोलता है, लेकिन क्योंकि अब ये आर्टिस्ट बन गया है साइन करता है इसलिए और इन्होंने अपना स्टाइल बनाया थोड़ा बहुत अलग यूनिक बनाया तो इसलिए इनको आर्टिस्ट का दर्जा गया है। ठीक है अब इसी पे चलते एक दो और बात करते हैं। ठीक है इसमें मैं आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था 2001 में जानकर सिंह शाम जो ये बिल्डिंग जो ये पेंटिंग बनाया है वो जापान में सुसाइड कर लिया था। हाँ अब असली सच तो हमको नहीं पता है बट बोला जाता है क्योंकि म्यूजियम ये सब लोग उनको तंग कर रहा था कि यानी अब तुमको इतना पैसा दिया तो तुमको इतना काम करना पड़ेगा बनाना, और आर्ट ऐसा नहीं है ना आर्ट यानी क्या है जो चीज आप आइडियाज आना चाहिए एकदम से ऐसे नहीं हो सकता कि अब 1 घंटा दे रहा हूँ। जैसे क्या है लक्ष्मण को अगर हम पकड़ लेगा बोलेगा कि हाँ 1 घंटा दे रहा हूँ एक पेंटिंग बना के बनाना होना चाहिए लंच टाइम तक, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो 1 घंटा में बना ले लेकिन हो सकता है उसको 1 हफ्ता लगे वो बनाने में, है ना आइडिया आना चाहिए। तो ऐसे करके शायद उन चीजों से परेशान होके जानकर सिंह शाम ने सुसाइड कर लिया। तो ये जो ये ट्राइबल आर्ट बोलता है या फोक आर्ट बोलता है इस चीज का भी एक बिजनेस बन गया मार्केट बन गया, क्योंकि मैं खुद देखा है रघुराजपुर आप सुने रघुराजपुर नाम पूरी के पास है उसको यानी एक आर्ट्स विलेज करके बोला जाता है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज। वहां पे क्या होता है दिल्ली से बॉम्बे से कलकत्ता से बड़ा बड़ा आर्टिस्ट या फिर जो म्यूजियम वाला लोग आता है, और जैसे वहां पे रघुराजपुर में रोहित एक छोटा सा आर्टिस्ट है वो ये चीजें बनाता है। ठीक है तो मैं उसके पास जाता है मैं बोलता है मुझे ये खरीदना है, रोहित को 200 रुपए देता है यही चीज अब मैं ले जाता है दिल्ली में और वहां म्यूजियम में अच्छा सा लाइट वाइट लगा के रख देता है और वहां पे मैं लोगों को ये 1,00,000 रुपए में बेच सकता है। तो ये भी एक तरह का इंडस्ट्री बन गया है ना, क्योंकि जब भी किसी भी चीज में जब पैसा आ जाता है मार्केट बन जाता है तो उसमें
तो एक तरह से क्या है, व्यापारी वाला मिडिलमैन वाला सिस्टम हो गया ना, जैसे चास में होता है, चास करने वाला एक आदमी है, एक बीच में व्यापारी है जो आता है उससे उसको कम पैसा देके मार्केट में बेचता है, तो वही आर्ट का भी एक तरह से अब ये चीज हो रहा है। तो आज ही कितना टाइम हो गया, अच्छा काफी टाइम हो गया, ठीक है लास्ट बात करते हैं, उसके बाद फिर कल करेगा। बेसिकली वही, ये जो किसी भी आर्ट का वैल्यू भी बहुत कंफ्यूज है, ठीक है, यानी वो बाहर से दिया जाता है। कल को अगर मैं फेमस मान लो, अगर मैं अभी वही लक्ष्मण का एग्जांपल फिर से लेता है, अभी लक्ष्मण सुंदर से सुंदर पेंटिंग, इतना सुंदर पेंटिंग बना लेगा, लेकिन उसको कोई नहीं जानता है, कोई खरीदेगा भी नहीं शायद उसका पेंटिंग, या फिर हाँ सुंदर है 500 रुपये दे दिया, हाँ ये लो बच्चा पेंटिंग दे दो। लेकिन अब अगर फेमस आर्टिस्ट बन जाएगा वो, यानी कैनवस पे धूप भी देगा और उसको कुछ बोल देगा, तो वो बहुत फेमस पेंटिंग हो जाएगा। इसी चीज पे हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, चलो थैंक यू।